In the supercharged electoral atmosphere, this comment from Congress advisor Sam Pitroda seemed to be a self-goal. In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you, in your generation, made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth $10 billion and he dies, his children get $10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. Sure enough, the BJP top leadership came down on him hard. Aap jo apni mehnat se sampatti jutate hain, wo aapke bachchon ko nahi milegi, balki Congress sarkar ka panja use bhi aapse chhin lega. यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट. आज सैम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है. वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है. आई थिंक द जिन हैज कम आउट ऑफ द बॉटल. कांग्रेस हिडन एजेंडा इज आउट एंड इट क्लियरली शोज इवन आफ्टर योर डेथ दे विल कीप ऑन वसूलिंग. द कांग्रेस क्विकली मूव्ड इनटू फायर फाइटिंग एंड काउंटर अटैक मोड. आप लोग डर गए तो आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लगा कि इंडिया की एक औरत आपके सामने आकर जो आप काम करते हो उससे अच्छा काम कर गई. देर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर नॉट वी डोंट हैव एनी इंटेंशन. व्हाई यू आर पुटिंग हिज आइडियाज इन अवर माउथ. व्हाई यू आर प्रोपगेटिंग. ही इज Just for votes, he is playing all this game. इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है. और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं. ये कांग्रेस के एजेंडा में बिल्कुल नहीं है. हमने इसकी कभी चर्चा नहीं की और आपके बिल्कुल सही बात है, इसकी पहली बार चर्चा अरुण जेटली जी ने, दिवंगत अरुण जेटली जी ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने की थी. ये नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला प्रपोजल था. बट डिस्पाइट द कांग्रेस फायर फाइटिंग अटेम्प्ट्स, दिस इज ऑलरेडी अ पॉलिटिकल इन्फर्नो एंड नॉट इवन सैम पित्रोड़ा स्टेटमेंट क्लैरिफाइंग बट नॉट विथड्रॉइंग हिज कमेंट्स सीम टू हैव डाउज्ड द फायर. Firefighting after Sam Pitroda's remarks, the Congress party has sought to try to clarify and make it clear that it has never contemplated before or in future the inheritance tax to quell the narrative that is being built by the BJP in the 2024 elections. With camera person Sushil Rathi, Sunil Prabhu, NDTV.